प्लेन। सर इस बार टेस्ट में सर आपको वो सब याद आ रहे हो, 4 मीटर पर सेकंड प्लेन की स्पीड। सर सर म्यूटेड है, कैसे आएगी? सर वो क्विज के बच्चे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर सुनी नहीं रहे सर, सर अपने आप को अनम्यूट तो नहीं रहे कर हैं पा लेकिन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। सर का कुछ माइक इश्यू होगा, वॉशरूम गए होंगे, दूसरे सर से स्क्रीन बात अपने कर आप रहे चेंज चेंज हो गई। हैं। अरे हाँ, शेयर स्क्रीन देखता है। ईजान सर ये सब कुछ सुन रहे हैं। सर बोलेंगे तुम सब का हो गया, तुम सर 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 आपको क्या हो गया ये? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वैसे सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। लगता है जेई मेंस वाले बैच में किसी ने कांड किया होगा। सर को फोन लगाना लगा लगा अमन तू। रहने दे। हाँ, मैं नहीं लगाना। तो क्या है वेट साढ़े फ्यूम? साढ़े छह तक तो ओके नहीं लगाना, वेट फ्यूम सर मिनट सर का का मैसेज मैसेज आया। आया वेट फ्यूम मिनट। फोन लगा ये फोन कौन है? तो अमन गंतुआड़ा मत करे सर, सर देखेंगे डांटेंगे। बंद पियूष कर रात क्यों खड़ा किया है? मंडे पे गया मैसेज छोड़ दे कि अंकित उसका पैदा मैंने नहीं था, उसके सर ने बोला वेट फ्यू मिनट। क्या जेडी भाई की आवाज आई थी। पंकज सर की भी थी ना शायद। पीसी में हाँ एड्रेस होता है। इनमें तुम क्या सो रहे हो? सर का भी सही है, कब गया है, कब से लोड क्या हो रहा है? टाइम नहीं चल रहा। हुआ बंद हो गया इंटरनेट कॉलर। सर कनेक्शन का सर प्रॉब्लम मैंने है। फिर भी बंद कर दिया। कुछ काम कर रहे होंगे, बैठो और क्या। वो पंकज सर में नेटवर्क मैं एरर था तो कर ठीक है, वाईफाई में अच्छी होगा। हाँ चलो चलो, थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, थोड़ा काम आ गया था। आवाज आ रही है ना तुम्हें? हाँ हाँ सर अब आ सर। रही है। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर, सर। एक सेकंड, मैं गुड ये इवनिंग वॉल्यूम सर। कम कर रखा है। लास्ट ये टॉपिक है इसका, लास्ट है ना, कॉलिजन वाला लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। हाँ सर थोड़ा काम आ गया था आज वो ना। क्विज के आंसर क्विज के आंसर, हाँ लास्ट वाला इक्वेशन का आंसर बताओ क्या है। कार्ट वन वाला बाई ना, टू कार्ट वाले माइनस का। का। रुको रुको रुको, आंसर देखने दो एक बार क्या है उसमें। आंसर हाँ मैंने भी वन इस बार बाई नहीं टू निकालना लेफ्ट था। डायरेक्शन में। हाँ मेरा भी वही आया। उसमें भी सेम वही केस होगा ना। तुम्हें एक वेलोसिटी माननी पड़ेगी कार्ट के रिस्पेक्ट में और एक वेलोसिटी माननी पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हें नेट वेलोसिटी, सॉरी उल्टा बोल गया, एक वेलोसिटी माननी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू कार्ट और एक खुद कार्ट की वेलोसिटी होगी। ऐसा ही होगा ना इसमें। तुम हाँ मैं दिखा सकते हो सर, ये बताओ कि कार्ट बिल्कुल की वेलोसिटी कितनी है पहले बताओ। -1/2। वन बाई टू लेफ्ट साइड। हाँ नहीं मेरे 16/25 आ रही है बेटा, 16/25 आ रही है मेरे तो यार। तो हाँ बॉब की वेलोसिटी क्या है? बॉब की वेलोसिटी तो मैंने नहीं निकाली हुई है, पर मेरे कार्ट की वेलोसिटी 16/5 आ रही है। कार्ट की वेलोसिटी प्लस उसकी बॉब की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू कार्ट वो हो जाएगी। फिर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग से निकालनी पड़ेगी। पूछा कहाँ था ये सॉल्व बोला था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। जब ये 37 डिग्री बना लेगा तब सर, मैं उस साइड वेलोसिटी। 37 ले रहा था, इससे गलत हो रहा था। अरे उस साइड 37 कैसे जाएगा। ठीक जा है तो सकता ऐसे वेलोसिटी यू मान लेने की, यू किसके रेस्पेक्ट में मानने की है कार्ट के रेस्पेक्ट में, और कार्ट की खुद की वेलोसिटी है ऐसे वी पीछे की साइड। अब इसमें पहले, इनिशियल हाँ वेलोसिटी है, मतलब जीरो नहीं थी इनिशियल। इनिशियल तो जीरो थी ना। जब ये नीचे आ जाएगा पेंडुलम नीचे आ जाएगा तो कार्ट भी तो पीछे चलना स्टार्ट कर देगी। अच्छा बाद में आना। हाँ बाद में है ना। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, इस यू का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना 53 यू कॉस 37, 37 ना, 37। यू कॉस 37 वो लेना पड़ेगा। फिर आपको यू कॉस 37 तो किसके रेस्पेक्ट में, कार्ड के रेस्पेक्ट में। कुछ लिख रहे हो? मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ तुम्हें, तो समझाता हूँ बस, जैसे कल किया था वैसे ही करना था। देखो यू कॉस 37 तो अच्छा किसके रेस्पेक्ट में आएगा, काट के कार्ड के रेस्पेक्ट में, और वी वी किसके रेस्पेक्ट में, वी कार्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो तुम जब ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिखोगे ना कार्ट की वेलोसिटी वी, तो तुम्हें बॉब की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले जानी पड़ेगी। तो वो कितना हो जाएगा, जैसे इसमें था 4v1/5 - v किया था वैसे ही वहां पे क्या हो तो जाएगा, वी यू कॉस माइनस थर्टी सेवन यू यू कॉस 37 - v। मैं लिख के बता देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन हाँ है मेरे पास वहां पे जगह। चलो मैं इधर साइड में जगह बना लेता हूँ, इधर यहाँ पे जगह बना लेते हैं अपन। अच्छा ये क्या लिखोगे, इसका मास है 4 × v इक्वल टू हो जाएगा बॉब का है 1 × ये कितना हो जाएगा यू कॉस 37 - v। ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक इक्वेशन। दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ हाफ m × वी स्क्वायर पहले वेलोसिटी वाली लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, या पहले वो पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखो पहले, पोटेंशियल पहले पोटेंशियल लिख देता हूं ना। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एमजी एम जी एच, और एच कितना है इसके लिए। हाँ 1/1 नहीं ऐसा 1 नंबर कुछ होगा ना, मतलब 37 डिग्री के लिए 2/5 2/5 नहीं, 1/5 इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं बताऊं सुनो मेरी बात, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा कॉस मिलता है ना ये हमें, इसको अगर अपन रिजोल्व करेंगे तो ये तो मिलता है फोर मेरे फाइव फिर तो को ऑडी साइन, मेरे साइन है ना, साइन 53 - साइन 37 मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एच नहीं सॉरी, एच मतलब ये 1 मीटर है तो अरे ऐसा क्यों ये हुआ, आना चाहिए। हाँ 53 - 37। हाँ तो हाँ 1/5 ठीक हुआ सर। है, कितना 1/5, हाँ 1/5 आएगा। ठीक है, और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दो, हाफ इंटू मास 4 × v² प्लस
हाफ इंटू मास वन इंटू, अब बताओ इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे वेलोसिटी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे ना, स्पीड लिखनी है। दोनों अरे किसका? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू यू वी इंटू कॉस, कॉस कितना? 143। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि तुमने कल वाला क्वेश्चन सीरियसली नहीं किया। हाँ हाँ पानी पिला था। कल वाला क्वेश्चन सीरियसली नहीं किया, सेम डिक्टो वही प्रोफाइल है बेटा क्वेश्चन की, देखो तो सही। पीयूष हाँ सर, और तुम ये बताओ कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है तुम्हें? पर बोलो जल्दी ये दो बताओ। दो वेलोसिटी माननी क्यों है? ऐसे नहीं कर सकते कि 37 डिग्री पे जो वेलोसिटी होगी और फिर वो उसके फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, नहीं कर मेरी सकते? बात सुन, दो दो वेलोसिटी इसलिए माननी पड़ रही है क्योंकि एक जो है वो ग्राउंड फ्रेम में है और एक जो मानी है वो किसके रेस्पेक्ट में मानी है? कार्ड के रेस्पेक्ट में मानी है। जब तू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता है तो दोनों वेलोसिटी या जितनी भी आप वेलोसिटी लिख रहे हो वो सेम फ्रेम में लिखनी पड़ती है। अब कार्ड तो चल रहा है ग्राउंड के फ्रेम में और पेंडुलम जो अंदर चल रहा है वो चल रहा है कार्ड के अंदर, समझ आ रही बात ये? तो 37 डिग्री पे ग्राउंड के नहीं, रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी ना, वो कार्ड के एनर्जी रेस्पेक्ट में कंजर्वेशन आएगी। लगाएंगे तो? नहीं, कार्ड के रेस्पेक्ट में आएगी ना बेटा, क्योंकि जब तू अंदर जाके देखेगा इसके, ऐसा मान ले कि कार्ड के रेस्पेक्ट में देख रहा है तो उसके अंदर बैठ जा जाके। अगर तू कार्ड के अंदर जाके बैठ जाएगा तो पेंडुलम किस डायरेक्शन में चल रहा होगा? वो यू है, तो तेरे को पता लग जाएगा कि 37 डिग्री पे ऐसे चल रहा होगा वो। थर्टी सर सेवन पर मतलब हाँ कार्ड की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राउंड के फ्रेम और कार्ड की फ्रेम एक ही हुई ना इनिशियल, तो क्या कार्ड की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो? मतलब एक ही फ्रेम चलेगी मतलब ग्राउंड की और कार्ड की, मतलब दोबारा बोल, क्या बोल रहा है बेटा? वैसे कार्ड की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अगर ग्राउंड के फ्रेम में लेंगे तो भी वही होगा, कार्ड के फ्रेम में लेंगे तो भी वही होगा। और बेटा इनिशियल तो बॉब की वेलोसिटी भी 0 है, जब बॉब नीचे आएगा तब कार्ड चलेगी, और थर्टी तो सेवन डिग्री इनिशियल पे दोनों जब के वो फ्रेम में पहुंच, 0 ही होगी। और 37 डिग्री पे जब वो पहुंच जाएगा तब तो कार्ड चल रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग आएगी, कार्ड के रेस्पेक्ट में अलग आएगी। फिर इनिशियल तो दोनों की 0 ही है, इनिशियल तो कार्ड के हाँ रेस्पेक्ट में देखिए या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सब 0 है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक ठीक है ना? है। ये नोट कर लो और इसको सॉल्व करना, अब सॉल्व करना फिर आंसर आएगा इससे। हाँ और ऐसे आते हैं मेंस में, क्यों, ऐसे एडवांस में आते हैं कि मेंस में? तुम्हें इससे क्या मतलब है कि कहाँ आते हैं? तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो चुपचाप। सर हाँ सर मुझे एक चीज नहीं समझना है, हाँ बोल। वो एच की वैल्यू वो sin 53 माइनस sin 37 क्यों हुआ? सिर्फ sin 53 नहीं होता? नहीं होगा ना बेटा, 30 53 से छोड़ रहे हैं, 37 तक लाना है। मतलब एच के आप डायग्राम में दिखा सकते हो मतलब कितना लंबा होगा एरो रुक करके, मतलब जाओ, ये वाले डायग्राम में एच क्या होगा? यहाँ बना देता हूँ मैं ऊपर, समझना। जूम करके उसमें हाँ बस इनिशियल और फाइनल। ये 53 है, हाँ सर, हाँ ठीक है, और ये 37 है, हाँ समझ आ गई बात? इतना वो नीचे आया है, तो ये एच है ना, ये एच है। हाँ अब मुझे लगा पूरा ऊपर तक एच है। अच्छा नहीं, पूरा ऊपर तक नहीं, जितना वो हाइट नीचे आया बस उतना ही। अब समझ आ गया क्यों लिखा था मैंने? समझ आ गया क्या अब दिख गया, सर, दिख पर गया। तो भी इसमें हम साइन लेंगे तो भी
जो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला आएगा ना, तो मेरे लाल पीले, ये क्या होता है? क्या होता ये कितना होगा? क्या पता नहीं। पता करके आओ फिर। ये तुम कैलकुलेट नहीं करते थे? एच इक्वल टू आर माइनस आर कॉस और आर कॉस माइनस आर साइन थीटा। साइन आता है कॉस आता था। कॉस आता था ना, तो मैंने उल्टा ले लिया है। मतलब है ना, मतलब उल्टा ले तो लिया है, पर साइन में तो वो जो गया आपने वो डॉटेड लाइन बनाई थी ना, वो उसका डिफरेंस मिलेगा। सही। बढ़िया। एच है वो, उसकी वैल्यू तो सही है, एच की वैल्यू अरे पर वो सही है। अरे मैं बताऊं सही क्यों हो गई है। वैसे मैंने क्या कर साइन दिया। 53 कॉस 37 होता है, और कॉस 37 साइन 53 होता है, इसलिए गलती से सही आ गई। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। वो मैंने गलती से सही लिख दी है, बट ऐसे ही बनेगा। देखिए, क्या एच जो है वो एच वन माइनस एच टू के बराबर है? हाँ एच वन अपने आप में कितना है? एच वन है आर माइनस आर कॉस 53, यही है। सर, और पर एच रहो टू एच वन एच टू ऐसे ऐसे क्यों ले रहे हो ऊपर से? ऊपर से लेने दो, ऊपर से ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का ऊपर से पार्ट वो तो दोनों डायरेक्ट में से लाइन में ही निकल। आएगा। ऊपर का पार्ट माइनस नीचे का हाँ पार्ट वही, क्या? वो वो ये डायरेक्ट नीचे वाले लाइन में में आता थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आप ऊपर से लोगे तो शायद ऊपर इजी हो से। जाएगा। उसमें ऊपर आर से माइनस नहीं हाँ करना पड़ता। हाँ ठीक है, ऊपर से ले लो। मेरे को लगा कि ऐसे वो है, मेरे को ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है, इसलिए मैंने वैसे कर लिया। ऊपर से ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से कितना हो डायरेक्ट जाएगा? 53 ऊपर के लिए से कॉस कितना? देखो एच जो होगा वो कितना होगा? 53, 37 माइनस 53 53 आर का कॉस 53 होगा आर कॉस 37 माइनस ऑफ आर कॉस कॉस 53 फिफ्टी होगा। थ्री हाँ सर वो हाँ गलती ये से समझ सही में आ इसलिए हो गया गया। क्योंकि ये वैल्यू बराबर आ गई है, बाकी तो मैंने गलत ही लिख दिया है। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री होता तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती, नहीं फिर भी सही आ जाता वो ना। भी सही हो जाता। ओके सर, वो साइन हाँ और कॉस है ना, वो 90 90 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए सही ठीक आती। है। 40 और 45 होता ये तो गलत होता। और तुम करेक्ट कर लेना, वहां पे कॉस ही लिखना है ना, कंफ्यूजन हाँ सर, नहीं होना। आंसर आ गया 16/25। अब तो आ जाएगा ना आंसर। आंसर मैंने निकाले भी नहीं है, पर आंसर आ जाएगा बस। चपोर इसके बाद करते हैं टक्कर। टक्कर टक्कर के बेद नोट पढ़ लो। बैंगलोर और कोलकाता की टक्कर। बैंगलोर और कोलकाता की टक्कर है आंसर? कोलकाता। हाँ सर, आप किसको सपोर्ट करते हो? आप तो किसको आरसीबी को सपोर्ट ही करते हो? करेंगे। हाँ मैं आज किस किस आज आरसीबी और कोलकाता का है ना? आप आरसीबी कोलकाता वाले हो एफआर ना? नहीं, आप आरसीबी खत्म। वाले हो, कोलकाता शाहरुख खान की है। आप किसी का सपोर्टर नहीं हो वैसे तो। मैं धर्म संकट में फंस गया आज। मैं अब किसको सपोर्ट अगर करूं? अगर बेंगलोर जीत गए ना आपको फायदा है। आज आरसीबी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि कोलकाता एबी हमारी दुश्मन डिविलियर्स। टीम है। आरसीबी जीते तो सर को ही फायदा है। क्यों आरसीबी जीतेगी तो क्यों फायदा है हमें? आरआर मतलब जो पाकिस्तान है वो आगे आ आरसीबी जाएगा नीचे तो आएगी, बढ़िया है। चलो और आरआर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर अपन आरसीबी के फेवर में, क्योंकि कोलकाता तो अपन फेवर में ही नहीं। अपन उसका वो तो नॉर्थ शाहरुख कंट्री खान, का कुछ शाहरुख भी हो खान सकता है। शाहरुख जीतेगा। खान दुनिया का एम्बेसडर है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, पर अपन उसके फेवर में नहीं है। सर आपने वो लक्ष्मी बम का ट्रेलर देखा? आप अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म देख सकते हो ना, तो उसका ट्रेलर देखा? देखा ना मैंने। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। वो ट्रू स्टोरी है ना, मैंने ज्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट मेरे को इतना पता लगा है कोई रियल वो साउथ इंडियन स्टोरी मूवी पे वैसे, साउथ ओरिजिनल इंडियन कंचना मूवी। है, कंचना अच्छा ऐसा है क्या? कंचे खेलती है हाँ। भूत की मूवी। तो मैंने इसका उसके जो बारे में ज्यादा डायरेक्टर है पढ़ा ना वो नहीं। उसमें मतलब इसका जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है ना वो उसमें एक्टर था, राघव लॉरेंस, वो साउथ इंडियन एक्टर। डायरेक्टिंग वाह। हाँ अच्छा काम किया उसने भी। ठीक ये साथ में नोट करते जाना पड़ा ना। यस सर।
ओह सर, टेबल बनाना है तो हम टेबल उल्टा करके बनाए टेबल वेबल नहीं, सर, वो कोई आप समय आया नहीं हमारे मैंने में, कंपन क्लाउड है, काइनेटिक टाइम एनर्जी शिफ्ट क्लाउड प्रॉब्लम, है, वही ना। नहीं यार अभी वही क्या कौन सा हो रहा है, फ्लो चार्ट जैसे बनाना है सर। ये पांच तरीके के ऐसे थोड़ी ना होते हैं, मतलब हेड ऑन कोलिजन ये तीनों भी हो और सकता है, वो हाँ हेडन वही इलास्टिक तीनों हो सकते इनइलास्टिक के भी हो सकता है, और ऑब्लिक कोलिजन भी तीनों हो सकता है सर। वो बेटा। हेड ऑन को निकाल देने की जरूरत है, अरे वो सिर्फ सर होल्ड और हेड ऑन ओब्लिक दोनों कोलिजन को। भी, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक इनइलास्टिक सब पार्शियली हाँ इनइलास्टिक हो सकता है, और ऑब्लिक हाँ भी वो हो निकल सब सकता हो है हेड सकता है। ऑन अपन ने निकल सकता है। ये मेरे साथ ये मैं बताऊं कि ये हेड ऑन में सब हो सकते हैं ये, और ऑब्लिक में भी सब हो सकते हैं ये। ओह पर बात तो ऐसे सही कहा अपन ऐसे सर। कोई ऐसे न्यू ऐसे ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं कि भाई ये इतनी कॉलिजन होते हैं, बस लिख लो इतने टाइप के कॉलिजन हम पढ़ते हैं। वैसे तो 6 पार्ट हुए ना, इलास्टिक में हेड ऑन और ऑब्लिक, परफेक्टली इलास्टिक में हेड ऑन और ऑब्लिक, ऐसे अरे करके बहुत सारे बनते भाई जाएंगे, यही समझ हो गया ना गया। तू तो? अरे हाँ ऐसे कोई समझ थोड़ी ना पूछेगा बेटा 5 पार्ट होते हैं 6 पार्ट होते हैं। हाँ ऐसे जेई मेंस वाले एडवांस वाले ऐसी फालतू की बातें कभी नहीं पूछते हैं कि 5 होते थे कि 6 होते थे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे ऐड करते हाँ वो उनके केमिस्ट्री दिमाग में में पूछ नहीं रहता, सकते पूछ हैं लेते टाइप्स तो ऑफ मजा ऑर्बिट। आता। हाँ देखो बोर्ड में तुम वही लिख के आओ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, सिंपल बात ये है, कभी भी जेई के डेरिवेशन जेई के मेथड वहां अप्लाई ना करें, नहीं क्योंकि बोर्ड वालों का ये मानना होता है कि हमारी बुक में जो है बच्चे को वही पढ़ाया जाए और बच्चा वही लिखे, उनको ये मतलब नहीं कि आपने कितना बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है, कितने मेथड पढ़ा रखे हैं, उनको ये मतलब नहीं होता है। इसलिए तो बोर्ड बच्चे में हमेशा वही प्रेफर करें जो तुम्हारी बुक में मेथड दिए होते हैं, समझ रही ना बात ये। हाँ तुम्हारी बुक बच्चे में पढ़ के आते हैं। 6 दे रखे हैं तो 6 लिखो, 5 लिख रहे हैं 5 लिखो, 2 लिखे 2 लिखना है, कोई लोचा नहीं है। ठीक है ये हो गया हमारे पास कोलिजन के टाइप्स हो गए हैं हमारे पास। अब ये हेड ऑन कोलिजन क्या होती है, हेड ऑन कोलिजन जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो पहले हेड ऑन कोलिजन पे बात करेंगे अपन। यहाँ पे ये ऐसे चल रही है वी वन से और ये ऐसे चल रही है वी टू से, ठीक है। टकराने ये दोनों आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। अब देखो इनका ये तो होता है लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन पे वो चल रहे हैं, समझ रही बात ये। ये क्या होता है इनका, लीन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, और एक होता है लाइन ऑफ इफेक्ट। लाइन ऑफ इफेक्ट वो लाइन होती है जब वो टकराते हैं, टकराने के बाद जो उनकी कांटेक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है। जैसे ये टकराएंगे तो ये इनकी परपेंडिकुलर, सॉरी ये कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, वो होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम ही आ रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम आ भी है? सकती है नहीं भी हो सकती है। अरे सर पर सेम कैसे हुई, एक किसके लिए है परपेंडिकुलर है एक पैरेलल है। ये, थोड़ी ना मैंने बोला था कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा अच्छा परपेंडिकुलर तो बना ये के बताया ऑब्लिक है ना उसके। दूसरा, हाँ दूसरा वाला ऑब्लिक है ना, परपेंडिकुलर वो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस का एक्सटेंड करके प्लेन बनाया था में। ताकि इसके परपेंडिकुलर बना दिख सके तुम्हें, है ओके ना। ठीक है समझ आ तो ये गया। होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ सॉरी कॉन्टेक्ट एक्शन डबल लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम ही है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत सेम आ भी नहीं सकता है आएगा। नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बातें होती है। अब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद भी सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि हो सकता है ये दोनों ऑपोजिट चलें, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में चलें, दोनों ही बातें हो सकती है। तो हेड ऑन कोलिजन के लिए क्या चिपक कंडीशन होती है, हेड ऑन कोलिजन के लिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम होने चाहिए, ये हेड ऑन की वो है कंडीशन। कंडीशन फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ
एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन समझ गया क्या? मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है यार, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है, सॉरी लाइन ऑफ मोशन होना चाहिए था, एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होता है? वो गलती से लिखवा दिया मैंने, एक्शन कुछ नहीं, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम होते हैं, फॉर एड ऑन कोलिजन लाइन ऑफ एक्शन, अरे फिर एक्शन ही बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी सेम अर्सेन या आर सेम, समझ आ गई बात ये? ठीक हाँ सर है, जैसे अगर तुम देखो यहाँ पे ये एक बॉल है, ये ऐसे चल रही है, तो ये इसकी लाइन ऑफ मोशन हो गई, और एक बॉल है वो नीचे से ऐसे आ रही है और ये टकराएगी। मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट एक ही होती है और लाइन ऑफ मोशन दो दो होती है ना, लाइन ऑफ मोशन तो जिस लाइन में वो चल रहा है, दोनों एक ही होती है। लाइन ये कौन सी है दोनों की? ऑफ लाइन ऑफ मोशन तो मोशन, लाइन ऑफ मोशन है, टकराने टकराने के बाद लाइन ऑफ इंपैक्ट बन जाता है ना। के बाद लाइन ऑफ इंपैक्ट मिलती है, मतलब जिस पॉइंट पे टकराते हैं उस पॉइंट पे लाइन ऑफ इंपैक्ट मिलता है। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट बनाओ कैसे बनेगा इसका, ये दोनों ऐसे टकरा जाएंगे, अच्छा हाँ तो लाइन ऑफ लाइन बन इंपैक्ट जाएगी। पहले से ही होती है ना, फिर बाद में जब टकराते हैं वहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट। टकराते हैं वहां पे, हाँ भाई टकराने के बाद आपको क्या, जब तक टकराएंगे नहीं तब तक पता ही नहीं लगेगा ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ बनेगी। अब ये तो टकराए, ये फिर हम दो कैलकुलेट कर कॉन्टेक्ट लें, सतह तो पे, क्या बोल रहे हैं? अगर हम कैलकुलेट कर ले लाइन ऑफ इंपैक्ट की जगह। अरे समझ नहीं बात, क्या बोल रहा, कैलकुलेट क्या कर ले? अरे कुछ नहीं सर, बोलना क्या बोल रहा था, अरे कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि लाइन ऑफ इंपैक्ट पहले से होती है, वो टकराते लाइन ऑफ इंपैक्ट पे है। हाँ टकराते, हैं लाइन ऑफ मोशन तो पहले से ही होगी, इम्पैक्ट नहीं होती, लाइन ऑफ मोशन पहले से। अरे हाँ तो घुमा दोनों भी के रहे, अलग अलग होते हैं लाइन ऑफ होती तो मोशन। पहले से ये टकराते हो उसमें, मतलब ये है कि टकराने के बाद ही तो पता लगता है कहाँ होती है, होती तो है वही ही सही। अरे हाँ समझ गया तेरी बात, तो क्या बोलना चाह रहा है, बस समझ गया मैं, ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ जरूरी है कि लाइन ऑफ मोशन एक ही हो, पूरा अलग हो सकता है? अरे बेटा जितने पार्टिकल हैं अरे जो चल आपने रहे क्या हैं लिखा उतने है? लाइन अरे ऑफ मोशन होता है। ये लाइन ऑफ मोशन होगी। अरे कौन सी होती है लाइन ऑफ मोशन? अरे क्या बोल रहा है? अरे ये ऐसा इंपैक्ट नहीं होगी, मोशन ईजान, होगी। लाइन ऑफ मोशन आफ्टर इंपैक्ट ऐसा बोलेगा अभी। कंफ्यूज कर देगा सबको। सर पर ये अरे इंपैक्ट ईजान नहीं क्या ला, होती ईजान है? ईजान कंफ्यूज हो गया क्या कर रहा इधर है यार, कंफ्यूज कर रहा है। यार, ये ना अरे सही में ये ना पता नहीं अलग अलग चीजें बोलता है, मेरे को खुद को कंफ्यूज सर ये लगता आपने लिखा है है। सर इम्पैक्ट और लाइन ये ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोशन। होती है ये आपको सही क्या है हुआ? भाई। अरे अरे तो फाइनल बताओ, इम्पैक्ट है कि मोशन है, कंफ्यूज कर दिया। मैंने सही लिखा है भाई, लाइन ऑफ मोशन पहले बनेगी और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ठीक बाद में बनेगी। है सर, सर पर मैं ईजान, उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने लिखा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट लाइन तो परपेंडिकुलर वो नहीं होती। अरे अबे पर वो कांटेक्ट सरफेस है। वो कांटेक्ट सरफेस से मेरे लाल अरे पीले मतलब लाल है वो लाइन ऑफ रंग इम्पैक्ट। बोला उस परपेंडिकुलर। अरे यार ओ तेने ऊपर ऊपर क्या देखा फिर, वहां पे भी तो यही क्वेश्चन पूछा था अभी किसी ने कि सर ये परपेंडिकुलर वाली नहीं होती क्या, मैंने वहां पे भी यही मैंने जवाब दिया था। पूछा था। अरे सर कुछ नहीं, मुझे लगा कि वो लाइन ऑफ कुछ इम्पैक्ट है। नहीं बस फिर बोल लेता कुछ नहीं है ना, कुछ कुछ भी नहीं बोल बोल के के तीन रख अलग लिया अलग इम्पैक्ट। बातें बोल दिया उसने। ईजान कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, ध्यान रखना थोड़ा। को भी बोलते जा रहा ईजान तो ऑडियो डिस्कनेक्ट करके ही बैठ। है। हो गया सर, तो आपने टेबल तो क्या बनवाया था, टेबल लिखने की जगह ही नहीं रही अब। पूरा वो टेबल कहाँ है? वो टेबल बना थोड़ी दे ना टेबल थी, जैसा, जगह ही टेबल नहीं। तो ऐसे ही चला गया। इसके लिए बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनेगा? ऐसे टेढ़ा बनेगा सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे, टू मिरर वो ऐसे वो नॉर्मल। मिरर वाला ऐसे, एंगल हाँ ऑफ मिरर का नॉर्मल। इंक्लिनेशन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ऐसा ये बनेगा। लाइन ऑफ मोशन है ईजान, हाँ
ये लाइन ऑफ क्वेश्चन में लिखी मैंने थे। हाँ समझ में आ गया पूरी तरह। ये जब टकराएगा तो टकराने के बाद कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, हाँ नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ईजान, ये वाली पता है सर बस। मैं लिख देता हूँ वरना तू 5 मिनट खराब कर देगा अभी कंफ्यूज करवा के। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है अब। ये एक ही बात को 2-3 तरीके से बोलता है ये, कि सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहले से होगी बट वो टकराने के बाद दिखेगी। सर मतलब इसमें कॉन्टेक्ट से टेढ़ा नहीं होगा। नहीं नहीं ठीक है चलो समझ गया, मैं समझ गया। हाँ अमन भी अभी ये इम्पैक्ट लाइन है ना। हाँ ठीक है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब लगाते हैं ना तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाते हैं। अभी समझा रहा हूँ ये क्यों बनाया अपन ने, इसका बनाने का समझने का एक लॉजिक है, क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की इक्वेशन हम ऐसे ही नहीं लगा देते कहीं पे भी। ई आपका लगता है अलोंग टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना। अब उसी को बढ़ने वाले अरे मेरे लाल पीले नीले हरे गुल। अरे आज तो 8 ही मिनट बचे हैं। टाइम पास हो गया ऊपर सर, 5 मिनट में डिस्कशन है, 5 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, बाद में 3 मिनट के लिए रिजाइन करना। अभी तुम्हारी पंकज सर की क्लास है क्या इसके बाद? हाँ है ना। होगी ना, बड़े हो गए उनका नहीं, उनका दिमाग गर्म है आज, शांत रहना। इसलिए फालतू के क्वेश्चन और फालतू के डिस्कशन मत करना, सीधा बोल रहा हूँ। हम कुछ नहीं बोले ऐसे, हम मीटिंग कर रहे थे तो कुछ हो गया है इसलिए। वो अभी छोड़ो ना सर, आप कंटिन्यू करो। क्या सब जानना है, छोड़ो ना सर, आप पढ़ाओ। तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है, फिर बात जो भी होगी वो वैसे पंकज सर बता ही देंगे तुम्हें जो बताना होगा ना। और क्या है, हम सामने से पूछने नहीं जाएंगे वरना तो और भी। अरे तुम पूछना नहीं, अगर वो बताने बताने कुछ लेगा। मैं कुछ नहीं पूछू तो मैं देखो बता दिया है कि लोहा गरम है, तुम घी मत डालो, थोड़ा मत मारना, थोड़ा मत मार देना तो नहीं तो तुम्हारी लंका लग जाएगी आज। आज तो कुछ नहीं बोलना, इसमें लिखो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हां तो अगले क्वेश्चन करने थे। जिनमें उसको तो चुप ही रखवाना है। इनमें तेरे मेरे वाले ये फिजिक्स वाले लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रखेंगे बेटा, सारे सारे सब शुरू से कर रखे हैं, एडवांस वाले सारे कर रखे हैं क्या? और उससे पहले वाले जब मतलब शुरू से एकदम नहीं सर। चल ठीक है, 12th वाले बच्चों के काम आ जाएंगे, मैं तेरे से लूंगा फिर जिस दिन जरूरत पड़ेगी, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे समझा जाता है बेटा, ध्यान से देखना। ये आपके पास दो पार्टिकल या बॉल हम कंसिडर कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, ये b वाला कंसिडर कर लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। यहाँ पे डेफिनेटली कॉलिजन करवाने के लिए u1 आपका ज्यादा होना चाहिए u2 से, तभी वो टकराएंगे, अदरवाइज वो टकराएंगे नहीं। जब ये टकराएंगे हाँ U2 अगर पीछे आ रहा हो तो क्या आ रहा हो, ये B पीछे आ रहा हो तो B पीछे जब दूसरा टाइप हो जाएगा कोलिशन साले। U2 नेगेटिव हो जाएगा तो फिर, और नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है पॉजिटिव। अरे यार क्या तुम बकवास, ये टकराने वाली सिचुएशन होगी ड्यूरिंग कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद कैसी भी सिचुएशन बन सकती है। मैं उसमें से एक सिचुएशन बना रहा हूँ कि दोनों आगे चल रहे हैं, हो सकता है एक टकराने के बाद पीछे चले, एक टकराने के बाद रुक जाए, कुछ भी हो सकता है। टकराने के टाइम पे क्या हो रहा है ये बेटा, वो दोनों आगे चिपकते हैं।
ऐसे मिक्स हो गए, मिक्स होती है ना, अरे वो बिल्कुल जूम करके दिखा रहा है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, सर आप पे नीचे वो लिख दो। हाँ ये बी सी, अरे उदय पहले बात बता, बी सी बी सी ए सी, ये बी सी है और ये ए सी है ना, वो डी सी है। हाँ। ये ड्यूरिंग डी सी है वो मिडल ऑफ कॉलिजन, ये ड्यूरिंग कॉलिजन है। अरे बेटा इसमें क्या मानते हैं ना अपन, एक तो इसमें हीट में लॉस नहीं मानते, ध्यान रखना, कॉलिजन में क्या नहीं मानते हैं, हीट में लॉस नहीं होता है, अदरवाइज एक का दूसरे से कॉलिजन होता है ना तो कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है, हीट लॉस नहीं मानते हैं। और हम ऐसा भी नहीं मानते हैं कि जो बॉडी है वो डिफॉर्म होगी, बॉडी का डिफॉर्मेशन भी नहीं मानते यहाँ पे, समझ रहे, क्लियर है ना ये चीज, बॉडी का डिफॉर्मेशन भी कंसिडर नहीं करते हैं और हीट में एनर्जी लॉस भी कंसिडर नहीं करते हैं कॉलिजन पढ़ते टाइम, ये ध्यान रखना। और उधर बी टू ज्यादा हो जाएगा बी वन से। अब कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाता है ई से और लिखा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यू टू माइनस यू यू, नहीं नहीं यू टू माइनस यू वन वो मत रटो, गलत हो जाएंगे फिर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच सेपरेशन अपॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए अप्रोच सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सर हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ आना चाहिए, दो साल बाद पढ़ोगे तो क्या लिखा था। अब अगर ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सॉरी ऊपर वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन लिखें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों के सेपरेट होने की वेलोसिटी क्या है, वी टू माइनस वी वन, और अप्रोच की वेलोसिटी क्या है, एक बात ये ध्यान रखना, ये दोनों मोड में लिखे जाते हैं, मतलब ई आपका नेगेटिव नहीं होता है तो ये नेगेटिव आ भी जाए कैसे ना कैसे, तुम्हें गलती से उल्टा सीधा ले लो तो पॉजिटिव ही आंसर लिखना है। ई की वैल्यू जो होती है वो जीरो से वन के बीच में होती है, जीरो से वन के बीच में होती है, समझ आ गई सर, ये इसी केस के लिए कि हर केस के लिए, नहीं नहीं हर केस, जीरो से वन के बीच में, किस में, इस केस में क्या सर, ये जीरो से वन इसी के मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ ये इस कोलिजन के लिए होती है कि हर कोलिजन के लिए जीरो से वन के बीच में आती है ई की वैल्यू, नहीं ई की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, ई की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, और जीरो से वन के बीच में कोई और डेटा हो सकता है, अलग अलग टाइप की कोलिजन के लिए अलग अलग रेस्टिट्यूशन मिलता है। हाँ सर ठीक है, बट जीरो से कम नहीं हो सकता, वन से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ सर, हाँ सर प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें लिखो, नोट करके लिख लो, ई डिपेंड्स ऑन बोथ द सरफेसेस, जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रही है कॉलिजन पे उन बातों पे डिपेंड करता है ई, ई डिपेंड्स ऑन बोथ द सरफेसेस, लिख लिया। Yes, sir. फिर उसके नीचे लिखो E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो, फिर उसके आगे एरो लगा के लिखो, E जीरो होने का मतलब क्या होगा, E जीरो कब हो सकता है, परफेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन